हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रखा है, राजू इज 90 ईयर्स यंगर, यानी कि जो राजू है एक लड़का वो 19 साल क्या है छोटा है, यंगर यानी कि छोटा है किसे, देन हिज कजन, उसके कजन से, उसका एक कजन है उससे 19 साल क्या है वो छोटा है, यंगर है। आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद देयर एज विल बी इन द रेशो 2:3, यानी कि जो रेशो आएगा उनकी एज का, रेशो कितना दे रखा है 2:3 है, फाइंड द प्रेजेंट एज, तो आपको क्या निकालनी है, एज निकालनी है उनकी प्रेजेंट, ठीक है। तो हम प्रेजेंट एज ही मानेंगे उसके कजन के। सबसे पहले लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज, लेट लेट प्रेजेंट एज ऑफ कजन, जो कजन है उसकी कितनी मान ली मैंने, एक्स मान ली बेटा जी, एक्स ईयर, ठीक है, एक्स ईयर्स मान ली मैंने, और जो प्रेजेंट एज है, एज है ऑफ राजू, राजू की कितनी हो जाएगी एक्स, यानी जो उसके कज़न है उससे यंगर है वो 90 ईयर्स, यानी कि एक हो जाएगा मेरे पास एक्स में से 90 ईयर्स माइनस कर दो, ये क्या आ गया पास, उसकी एज हो जाएगी, ठीक है, यानी कि 19 साल क्या छोटा है, 19 साल घटा दो तो उसकी एज निकल जाएगी मेरे पास। आगे क्या है, 5 साल बाद, तो आफ्टर फाइव ईयर्स द एज ऑफ कजन, कजन की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 ईयर्स, ये बात समझ में आई, एक्स प्लस 5 कैसे हुआ, यानी कि 5 साल बाद, यदि वो आज 20 साल का है तो 5 साल भी अब कितना होगा, कितना का होगा, 25 का होगा ना 5 साल बाद, यानी कि 5 का जगह ऐड हो जाएगा। आगे 5 ईयर्स लेटर, एवरी 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ राजू, राजू की एज कितनी हो जाएगी मेरे पास, इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, एक्स माइनस 95 प्लस 5 ईयर्स, ये बात समझ में आई, यानी कि जगह उसमें एक्स 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस का प्लस के 5 कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स माइनस के 14 ईयर्स, ओके ये बात समझ में आई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार 5 साल बाद उनकी एज जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 2:3, यानी कि देखें एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 है वो क्या 2:3 दे रखा है, तो रेशो किसका दे रखा है उसका, राजू का और उसके कजिन का, है ना। तो सबसे पहले राजू की एज लिखेंगे हम, राजू की एज कितनी है, एक्स माइनस 14, तो एक्स माइनस 14 रेशो का मतलब हम डिवाइड में ले सकते हैं, कितनी है कजिन की एज, एक्स प्लस 5 किसके इक्वल हो गया 2:3 के, ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, एक्स प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमें, 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, एक्स माइनस 14 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, एक्स प्लस 5 के साथ, तो ये सोल्व करो इसको, 3x माइनस कितना हो जाएगा, 14 3 42, 2x कितना हो जाएगा प्लस 10। अब देखो 3x 2x को इधर लेके आएंगे तो क्या जाएगा, 3x माइनस 2x किसके इक्वल हो गया, 10 प्लस 42 के, तो 3x माइनस 2x गया x, x वाली क्या आ गई मेरे पास 452, तो x वाली क्या आ गई 52 आ गई, यानी जो उसकी कजन की एज है वो कितने आ गई, 52 आ गई, ठीक है। तो 52 में से माइनस कर दो, 19 माइनस कर दो कितना बचेगा, 3, 4 में से बन गया 33, तो उसकी एज कितनी आ गई मेरे पास, 33 ईयर्स, ठीक है, ये आपका
आंसर आ जाएगा। ओके okay?